नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। 12 साल की लड़की का शव गन्ने के खेत में मिलने से मचा हड़कंप। लड़की की दुपट्टा से बंधे थे हाथ। खेत में घास लेने गई थी लड़की के साथ हैवानियत की आशंका। दादी के साथ घास काटने खेत पर गई थी नाबालिग। गले में चोट के निशान और दुपट्टे से हाथ बंधे हुए मिले। गन्ने के खेत में लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक एस आनंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी जांच में जुटे। एसपी ने जांच के लिए कई टीमें गठित की। थाना कांड के बरुआ बुजुर्ग गांव की घटना। थाना कांड अंतर्गत ग्राम बरुआ बुजुर्ग में आज सायंकाल सूचना प्राप्त हुई कि उस गांव के एक गन्ने के खेत में, जिसकी बटाई मेवाराम द्वारा लिया गया था, वहां पुष्पा और रजनी, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी बॉडी मिली। जानकारी प्राप्त हुई कि वो दोपहर को करीब 12:30 बजे के आसपास अपनी दादी के साथ अपने घर से करीब 300 मीटर दूर उसी गांव में बाहर खेतों की तरफ घास काट रही थी। और एक बार घास अपने घर पर रखने के बाद दोबारा जब दादी से लेने आना था तो नहीं आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दादी उसकी गांव पे गई, उसकी खोजबीन शुरू हुई और जब गांव वालों की मदद से बाहर खेतों में खोजबीन शुरू की गई तो उसकी बॉडी मिली। उसके गले में निशान है, ऐसा लगता है कि गर्दन दबाया गया हो, और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे, कपड़े लेकिन उसके इंटैक्ट थे। मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने अपनी कार्रवाई की है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो वादी हैं मृतका के पिता, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और इसके लिए, इसके घटना के अनावरण के लिए कांट की टीम और एसओजी की टीम लगाई गई है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा।